So hello student, today we will discuss about the bed making. एक normal bed making से थोड़ा हट कर टॉपिक है. अपने नर्सिंग लाइन के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड मेकिंग होती है उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की बेड मेकिंग होती है, उस बेड मेकिंग के फ़ायदे क्या हैं, अगर हम बेड मेकिंग करते हैं तो उससे पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा, उसे जो बेड मेकिंग है वो किस तरीके से की जाती है, क्या क्या उसके अंदर आर्टिकल्स चाहिए पड़ते हैं, क्या ऐसा प्रोसीजर है, किस तरीके से बेड बनाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, और क्या क्या कितने अलग अलग तरीके के बेड जो है वो हम हॉस्पिटल में बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस बेड मेकिंग के अंदर टॉपिक में के अंदर देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे आता है डेफिनेशन कि बेड मेकिंग होती क्या है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग घर में भी परफॉर्म करते हैं बेड मेकिंग, लेकिन हॉस्पिटल की जो बेड मेकिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर जो भी बेड मेकिंग है वो क्या है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को जिस भी तरह की डिजीज़ है या पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, उसके पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के बेड बनाते हैं. तो इसे ही हम लोग बोल देते हैं बेड मेकिंग, कि क्या है, अलग अलग तरीके के बेड हम लोग अलग अलग पेशेंट के लिए बनाते हैं ताकि वो क्या रह सके, उस हॉस्पिटल के अंदर कंफर्टेबल फील कर सके और हम उनकी पोजीशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके. ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के लिए बेड्स बनाते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन ये है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेड इन मेकिंग अ पेशेंट और क्लाइंट कंफर्टेबल और हीज और हर पोजीशन सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन. ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अलग अलग तरीके के बेड. ठीक है, अलग अलग तरीके के बेड बनाते हैं. क्यों बनाते हैं, ताकि जो भी क्लाइंट है वो क्या हो सके, कंफर्टेबल फील कर सके वहाँ पर, और उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सके, उसे एक कंफर्ट प्रोवाइड करा सके. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के बेड हॉस्पिटल के अंदर बनाते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी. नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर हम लोगों को प्रैक्टिस गाइडलाइंस मींस मेनली जो जनरल है, जनरल हम इंस्ट्रक्शंस है, हम लोगों को क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए. सबसे पहले हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं हॉस्पिटल के अंदर या पेशेंट के ऊपर, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम लोग करते हैं हैंड वॉशिंग. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों को ये देखना है जनरल गाइडलाइंस के अंदर कि हम लोग क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है जब जब भी हम लोग क्या करें, प्रोसीजर को स्टार्ट करें और जब भी प्रोसीजर को एंड करें. ठीक है, बिफोर और आफ्टर द प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे. क्यों हैंड वॉश करेंगे, ताकि जितने भी क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, ताकि हम एक पेशेंट के डिजीज़ कंडीशन को या एक पेशेंट का जो भी इन्फेक्शन है उसे क्या नहीं कर सके, दूसरे पेशेंट के पास क्या है, ट्रांसफ़र नहीं कर सके. ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हैंड वॉशिंग करेंगे. ठीक है, सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि जो भी हम लोग जितना भी गंदी जो भी शीट है या बेड शीट्स हैं उनको जब भी हम लोग कैरी करेंगे चेंज करने के लिए, ठीक है, वहाँ से बेड के ऊपर से हटाने के बाद जितनी भी गंदी या जितनी भी सॉइल्ड लिनन है, लिनन मतलब शीट, बेड शीट, ठीक है, तो जितनी भी गंदी लिनन्स है उसको हम लोग क्या करना है, हमारी यूनिफॉर्म से दूर रखना है. क्यों, क्योंकि जितनी भी बेड शीट्स हैं वो क्या है, इन्फेक्टेड है पेशेंट से. ठीक है, अगर हम लोग उसे अपनी यूनिफॉर्म के टच करते हैं तो हमें भी इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है. ठीक है, और फिर हम भी अगर किसी नेक्स्ट पर्सन के पास में या पेशेंट के पास में जाते हैं तो हमारे थ्रू क्या हो सकता है कि उस पेशेंट को भी इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं. इसलिए जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल्ड या जो भी डर्टी लिनन हम लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, चेंज करने के टाइम पर, उसे हमारी यूनिफॉर्म से दूर रखना है. ठीक है, होल्ड सॉइल्ड लिनन अवे फ्रॉम योर यूनिफॉर्म. ठीक है, हमारी यूनिफॉर्म से दूर रखना है. थर्ड पॉइंट आपको ये बताता है, लिनन फॉर वन क्लाइंट इज़ नेवर प्लेस्ड ऑन अनदर क्लाइंट बेड. ठीक है, जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी बेड शीट्स है या शीट्स है, लिनन है, उसे चेंज कर रहे हैं, तो हमें एक पेशेंट का जो भी शीट्स है वो दूसरे पेशेंट्स के बेड पर नहीं लगानी है, क्योंकि इससे क्रॉस इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है. ठीक है, तो कभी भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, एक पेशेंट की बेड शीट को चेंज करने के बाद दूसरे पेशेंट की बेड के ऊपर नहीं लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि इससे क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि जो भी सॉइल लिनन है या गंदे लिनन है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हैम्पर है या आप बोल सकते हो
की जो भी डिस्पोजेबल बॉक्स है उसके अंदर हम लोग डालेंगे, ठीक है। हमारी यूनिफॉर्म के टच नहीं करना है, इधर उधर नहीं रखना है। जितने भी सॉइल लिनन है उनको सबको इकट्ठा करने के बाद में एक साथ हम लोग क्या करेंगे, उसे डिस्पोज करेंगे डिस्पोजेबल बैग के अंदर, ठीक है। तो प्लेस सॉइल लिनन डायरेक्टली इनटू द पोर्टेबल लिनन हैम्पर और टक्ड इनटू अ पिलो केस एट द एंड ऑफ द बेड बिफोर इट इज़ गैदर्ड अप फॉर डिस्पोजल, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि जो भी पिलो केस है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी सॉइल बेडशीट्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, हम एक पिलो केस के अंदर डाल देंगे, ठीक है, चेंज करने के टाइम पर। और उस लास्ट में उस पिलो केस को हम लोग क्या करेंगे, उस हैम्पर के अंदर या डिस्पोजेबल बैग के बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हम इधर उधर जो है जितनी भी सॉइल लिनन है या गंदी बेडशीट्स है उसे इधर उधर टच करने से बच सकते हैं और क्रॉस इन्फेक्शन से भी पेशेंट को बचा सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डू नॉट शेक सॉइल लिनन इन द एयर, ठीक है। जो भी गंदी बेडशीट्स है उसे हम लोगों को क्या नहीं करना है, झड़काना नहीं है, शेक नहीं करना है उस लिनन को। हम लोगों को डायरेक्टली क्या करना है कि जितनी भी सॉइल लिनन है उनको इकट्ठा करके और सीधे ही डिस्पोजेबल बैग के अंदर डालना है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी गंदी लिनन है उनको शेक करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हवा के अंदर इधर उधर फैल जाते हैं और जो एयर के थ्रू क्या है उनका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सॉइल लिनन है उनको क्या नहीं करना है, उन्हें शेक नहीं करना है, ठीक है, चेंज करने के टाइम पर। नेक्स्ट आता है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग बेड को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, बेड को क्लीन कर रहे हैं, मैट्रेस को क्लीन कर रहे हैं, गद्दे को, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हो सके अपने टाइम को बचाना है। मतलब एक साइड की बेड मेकिंग को कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरी साइड की बेड मेकिंग करेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम अपना टाइम भी बचा सके और ख़ुद की एनर्जी भी बचा सके। इसलिए हम लोग एक साइड की बेड मेकिंग को कंप्लीट करने के बाद ही या एक साइड के बेड को क्लीन करने के बाद ही दूसरे साइड की बेड को क्लीन करने के लिए हम लोग जाएंगे, ताकि हमारा क्या हो सके, टाइम और एनर्जी बच सके, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपको ये बताता है, टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रिप टू द लिनन सप्लाई एरिया गैदर ऑल लिनन बिफोर स्टार्टिंग टू स्ट्रिप अ बेड, ठीक है। क्या है कि जब भी क्या है, हम लोगों को हमारा टाइम बचाने के लिए, हमारी एनर्जी बचाने के लिए क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी आर्टिकल्स है उसे पहले ही क्या करना है, अपने बेड साइड टेबल के ऊपर अरेंज करके रखना है, ठीक है, बेड साइड लॉकर के ऊपर अरेंज करके रखना है, टेबल के ऊपर अरेंज कर रखना है। क्यों, क्योंकि हम बार बार क्या नहीं कर सके, इधर उधर आकर बार बार जो है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट नहीं कर सके, ठीक है। तो बेड मेकिंग स्टार्ट करने से पहले ही जितने भी लिनन हैं या जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें क्या करना है, एक जगह इकट्ठा करके रखना है, ठीक है, ताकि हमारा जो बेड मेकिंग है वो जल्दी से हो जाए, सही तरीके से हो, ठीक है। तो ये हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस थे कि हम लोग क्या करना है, जब भी हम लोगों को बेड मेकिंग स्टार्ट करनी है उससे पहले हाथ धोने हैं, उसके बाद में हाथ धोने हैं, उसके बाद में जो भी हमारा जो गंदी शीट्स है उसको हम लोग जब भी हटा रहे हैं या होल्ड करके रख रहे हैं तो उसे हमारी यूनिफॉर्म के टच नहीं होने देना है, वरना क्या हो सकता है, उससे क्रॉस इन्फेक्शन जो है पेशेंट को हो सकता है, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में जो भी लिनन हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, पेशेंट के बेड से, उसे दूसरे पेशेंट के बेड पर नहीं रखना है या उस दूसरे पेशेंट के बेड पर बेड मेकिंग नहीं करनी है उस शीट से। फिर हम लोगों को पता है कि जो भी सॉइल लिनन है उसको हमें इकट्ठा करके और उसके बाद ही डिस्पोजेबल बॉक्स में डालना है। कभी भी गंदे लिनन को या गंदी शीट को हम लोगों को क्या नहीं करना है, झड़काना नहीं है, शेक नहीं करना है, वरना क्या हो जाएगा, जितने भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हवा के अंदर चले जाएंगे और उसके थ्रू भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे टाइम बचाने के लिए हम लोगों को सारे आर्टिकल्स एक बार में इकट्ठे करके रख लेने हैं और बेड मेकिंग स्टार्ट करने से पहले, और जब भी हम लोग बेड मेकिंग कर रहे हो तब हम लोगों को एक साइड का बेड बनाकर या एक साइड के बेड को क्लीन करने के बाद ही दूसरे साइड के बेड अपोजिट साइड में क्या करनी है, बेड मेकिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस थे कि बेड मेकिंग के टाइम पर। इसके अलावा एक है कि जो बेड, जो जब भी हम लोग क्या करते हैं, बेड मेकिंग करते हैं, वो मेनली हम लोग कब करते हैं, जब भी पेशेंट नहाने जाता है, ठीक है, या फिर पेशेंट अगर क्या है, बेड रिडन पेशेंट है, ऑलरेडी बेड पर है, तो उस टाइम भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी शीट्स है उसे चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारे बेड क्लोथ्स हैं, ठीक है, बेडशीट्स वगैरह हैं, वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, टाइटली टक्ड होनी चाहिए, मतलब टाइटली एकदम मैट्रेस के नीचे हम लोगों को टक करना है, प्रॉपरली माइटन कॉर्नर बना हुआ होना चाहिए। माइटन कॉर्नर अभी आपको पता चलेगा आगे क्या होता है, माइटन कॉर्नर बना हुआ होना चाहिए, ब्लैंकेट उस पर होना चाहिए, शीट जो है वो अच्छे से फैली हुई होनी चाहिए, बेड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों को उस टाइम ध्यान रखनी पड़ती है जब भी क्या है हम लोग बेड रिडन पेशेंट की बेड मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बेड रिडन पेशेंट की बेड मेकिंग भी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, कि हम लोगों को किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है जब भी हम लोग बेड मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली चार प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं कि बेड मेकिंग के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो क्या होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। आपके स्किन के ऊपर आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो, जो भी आर्टिकल्स आप लोग जिस भी प्रोसीजर के अंदर जो भी आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी हो सकते हैं, और जितना भी एनवायरनमेंट है अपने, जितने भी पर्यावरण है आसपास का, जो सराउंडिंग एरिया है, वहाँ पर भी क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, नर्स को ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी वो उसे क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करने से बचाना है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ट्रांसमिशन को बचाना है, उसके मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसको भी बचाना है, ठीक है। तो ऐसी हम लोगों को इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करना है, कुछ एक्शन करने पड़ेंगे। एक्शन मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। एज ए नर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए नर्स हम लोगों को पता है कि हम लोगों को बेड मेकिंग करते समय क्या है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सब जगह प्रेजेंट रहते हैं। तो एज ए नर्स आप लोग सोचो कि अगर आप लोगों को क्या करना है, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस है उसके ट्रांसमिशन को बचाना है, तो आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया और वायरस है, वो पाए जाते हैं, ऑन द स्किन, हमारी स्किन के ऊपर भी, आर्टिकल्स के ऊपर भी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट के ऊपर, और हमारे सराउंडिंग एरिया मतलब एनवायरनमेंट में भी, ठीक है। तो नर्सेस टेक केयर टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सोर्स टू द न्यू होस्ट, ठीक है, मतलब उस सोर्स से नए पर्सन में या किसी दूसरे पर्सन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र को हम लोगों को रोकना है या बचाना है, ठीक है, बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी बचाना है और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हम लोगों को पर्सन को बचाना है, ताकि उसे भी क्या नहीं हो जाए, इन्फेक्शन नहीं हो जाए, ठीक है। तो नर्स क्या क्या करेगी इस ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके लिए नर्स क्या क्या करेगी। सबसे पहले तो नर्स क्या करेगी, अपने हाथों को वॉश करेगी, ठीक है। सबसे पहले हैंड वॉशिंग का नर्स को ध्यान रखना है कि जब भी क्या करे वो बेड मेकिंग करने से पहले और बेड मेकिंग करने के बाद क्या करे, सबसे पहले अपने हैंड वॉश करे, ठीक है, ताकि क्या हो सके, वो क्रॉस इन्फेक्शन से पेशेंट को और खुद को, दोनों को क्या कर सके, बचा सके। नेक्स्ट आता है आपका, व्हेन चेंजिंग द बेड लिनन फॉलो प्रिंसिपल द मेडिकल असेप्सिस बाय कीपिंग सॉइल लिनन अवे फ्रॉम द यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे कि दूसरा बताया था हम लोगों ने कि जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल लिनन को या गंदे लिनन को चेंज कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, अपने यूनिफॉर्म से दूर रखना है, ताकि क्योंकि हम भी क्या हो सकते हैं, एक कारण बन सकते हैं उस इन्फेक्शन का, ठीक है, और हम भी क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए हमारी यूनिफॉर्म से हम लोगों को जितना भी सॉइल लिनन है उसे दूर रखना है। तीसरा एक्शन हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी सॉइल लिनन है, ठीक है, उसे एक स्पेशल बैग के अंदर, स्पेशल हैम्पर या डिस्पोजेबल बैग के अंदर हम लोगों को डालना है, ठीक है। जो भी गंदे लिनन है उसे एक बैग के अंदर अलग ही हम लोगों को डालना है, ताकि क्या हो, हम क्रॉस इन्फेक्शन से खुद को और पेशेंट को, दोनों को बचा सके, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, एयर के अंदर हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है। उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी लिनन को शेक करते हैं, जो भी गंदी लिनन है उसको शेक नहीं करना है, ठीक है, उसे झड़काना नहीं है, ताकि जो भी उसके ऊपर जो भी सीक्रेशंस है या जो भी डस्ट है वो क्या हो जाएगी, शेक करने से उड़ जाएगी,
ठीक है, तो शेक करने से उड़ जाएगी और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इधर उधर फैल जाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि जब भी जो भी सॉइल लिनन है उसे शेक नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र को बचा सकते हैं। एक तो हाथ धोकर हैंड वॉशिंग कर बिफोर और आफ्टर द प्रोसीजर। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, जो भी लिनन हम लोग चेंज कर रहे हैं तो वो जो सॉइल लिनन है वो हमारी यूनिफॉर्म के टच नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है कि जो भी सॉइल लिनन है उसे हम लोगों को एक अलग बैग के अंदर डिस्पोज करना है। और उसके बाद में जो भी हम लोगों को सॉइल लिनन है उसे शेक नहीं करना है, उसे झड़काना नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग फॉलो करेंगे क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है क्लाइंट के फेस से, और ठीक है, एक नर्स को जब भी बात करे पेशेंट से तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। क्यों? ताकि पेशेंट क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या इन्फेक्शन हो सके, ड्रॉपलेट्स के भी थ्रू भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह है तो उसके उसके उससे हम लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर नर्स को भी कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह है या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से पेशेंट को भी क्या हो सकता है, वापस इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, नर्स को और पेशेंट को क्या करना है, एक रीजनेबल डिस्टेंस बनाकर जो है वो बात करनी है, ठीक है, एक रीजनेबल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब भी हम लोग क्या करें, क्लीन कर रहे हैं जो भी हम लोग बेड को या ठीक है बेड को या जो भी आर्टिकल्स है उसे क्लीन कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, लेस कंटेमिनेटेड एरिया को पहले क्लीन करना है और बाद में मोर कंटेमिनेटेड एरिया को क्लीन करना है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग जहाँ पर लेस कंटेमिनेटेड एरिया मतलब जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है वो वाली एरिया को क्लीन पहले करेंगे और बाद में जहाँ पर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस वाले एरिया को क्लीन करेंगे। ऐसा करने से जो भी लेस कंटेमिनेटेड एरिया है वो ज़्यादा कंटेमिनेटेड होने से बच जाएगा, ठीक है। जो लेस कंटेमिनेटेड एरिया है वो क्या हो जाएगा, और क्लीन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जो मोर कंटेमिनेटेड एरिया है वो वैसे ही क्या है, हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग का ये एक प्रोसेस है कि जब भी आप लोग क्लीनिंग कर रहे हो तो इस क्लीनिंग के अंदर आप लोगों को मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि क्लीनिंग हम लोगों को कहाँ से करनी है, जहाँ पर मिनिमम ठीक है लेस कंटेमिनेटेड एरिया मतलब मिनिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, वहाँ से मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो वहाँ पर हम लोगों को क्लीनिंग करनी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीनिंग क्या करेंगे, बेड को सबसे पहले क्लीन करेंगे और बेड साइड लॉकर को बाद में क्लीन करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है कि बेड को हम लोग, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेड मेकिंग के टाइम पर बेड को सबसे पहले क्लीन करते हैं और बाद में हम लोग बेड साइड लॉकर्स को जो है मेनली क्लीन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेड को जो पेशेंट जहाँ पर लेटा हुआ है उसको हम लोगों ने क्या किया, उस पूरा रिमूव करके उस चीज़ को क्लीन कर दिया, ठीक है। तो वो हम लोगों ने क्या किया, वो क्योंकि पेशेंट उसके ऊपर है तो वो लेस कंटेमिनेटेड हो गया, ठीक है। और जो बेड साइड लॉकर है उस पर क्या है, मेनली सभी टच होते हैं तो इसलिए वो मोर कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेड साइड लॉकर्स को बाद में क्लीन करते हैं और बेड्स को पहले क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जो भी लिनन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या हटा रहे हैं, उसको हम लोग को क्या करना है, डिसइंफेक्टेड करना है और बाद में हम लोगों को धोने के लिए भेजना है, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी हम लोग बेड मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कोई पर्सन है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है, HIV HBsAg से इन्फेक्टेड है, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डिसइंफेक्टेड करना है, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसे भिगोकर रखना है, धोना है, और उसके बाद ही हम लोगों को क्या करना है, लॉन्ड्री के लिए उसे धोने के लिए भेजना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, बचा सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल आपका ये आता है कि अ सेफ एंड कंफर्टेबल बेड विल इंश्योर रेस्ट स्लीप एंड प्रिवेंट सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन बेड रिडन पेशेंट, ठीक है, लाइक बेड सोर्स, फूड ड्रॉप एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल आपको ये चीज़ बताता है कि एक सेफ और कम्फर्टेबल बेड, ठीक है, अगर हम पेशेंट के लिए एक कंफर्टेबल बेड बनाते हैं, एक सेफ बेड बनाते हैं, तो वो क्या क्या किन चीज़ों में हेल्प करेगा, उसे अच्छे से जो है नींद आएगी, उसे अच्छे से वो आराम देगा, ठीक है। और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ना बेड रिडन पेशेंट के लिए उनको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है।
तो कैसे कैसे बेड रिडन पेशेंट को मिलने, क्या है फुट ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं, बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं, तो इन कॉम्प्लिकेशन को कम कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम लोगों को हम पेशेंट का बेड बना रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है, एक सेफ़ और एक कंफर्टेबल बेड पेशेंट के लिए तैयार करना है। अब सेफ़ और कंफर्टेबल बेड बनाने के लिए नर्सेस क्या क्या करेगी, सबसे पहले तो नर्सेस क्या करेगी, नर्सेस को ये पता होना चाहिए कि बेड सोर से हम लोगों को और फुट ड्रॉप से हम लोगों को पेशेंट को बचाना है। तो इसके लिए क्या है कि जो भी मेट्रेस है उसको क्या करना है, जिस पे जितने भी लम्स प्रेजेंट है, गांठें बन जाती है गद्दे के ऊपर मेट्रेस के ऊपर, तो उन लम्स को, उन गांठों को मेनली क्या करना है, सही तरीके से क्या सही करना है एकदम, ताकि क्या हो कि जो भी जो ना भी अपने बॉनी प्रोमिनेंट एरियाज़ है, ठीक है, तो उस पर क्या हो, उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और उसकी वजह से बेड सोर नहीं हो। ठीक है, तो हम लोगों को जितने भी लम्स हैं, जितने भी क्रीसेस है बेड के ऊपर, ठीक है, सलवटें हैं, उनको मेनली क्या करना है, सही करके और पेशेंट के लिए कंफर्टेबल बेड बनाना है, ताकि क्या हो पेशेंट की बॉडी के बीच में और जो जो भी लम्स और क्रीसेस है तो फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, उसकी वजह से फ्रिक्शन ना हो और फ्रिक्शन होने की वजह से बेड सोर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए क्या करना है, हमें एक स्मूथ और रिंकल फ्री बेड बनाना है पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट क्या है उस बेड के ऊपर कंफर्टेबल रह सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि जो भी हम लोग को शीट, जो भी हम लोग बेड शीट जो है वो हम लोग बेड के ऊपर लगाते हैं, उसको हम लोगों को क्या करना है, टाइटली टक करना है। ठीक है, टाइटली टक करना है मैट्रेस के नीचे और एकदम रिंकल फ्री होने चाहिए बेडशीट, ताकि क्या हो पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस ना हो। इसके अलावा जितने भी जो भी हम टॉप शीट जो है, ठीक है, दो शीट्स मेनली होती है बेड मेकिंग के टाइम पर, एक तो जो चीज जो शीट हम लोग बिछाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम शीट, और जो चीज जो शीट पेशेंट ओढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप शीट। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, बॉटम शीट लगाएंगे, ठीक है, जो भी शीट, जो भी बेड शीट है उसे बिछाएंगे, तो क्या है वो रिंकल फ्री होनी चाहिए, ताकि उसे पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस नहीं हो। दूसरा ये है कि अगर जो भी टॉप शीट जो है वो हम लोग लगा रहे हैं तो उसे पेशेंट के पैर के ऊपर टाइटली टक नहीं करना है। ठीक है, इतनी ज़ोर से भी टक नहीं करना है कि पेशेंट अपने पैर जो है वो मूव नहीं कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करना है, टॉप शीट तो टाइटली टक करनी है, बॉटम शीट टाइटली टक करनी है, और जो टॉप शीट है उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को सेट करना है, ताकि पेशेंट भी क्या कर सके, अपने जितने भी लेग्स है उसे क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, जो भी मैट्रेस है वो क्या है, एकदम लंप फ्री होना चाहिए, उस पर कोई भी लंप गांठे नहीं होने चाहिए, उसका मैट्रेस का शेप जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी हम लोगों को क्या करना है, गीली जो भी वेट लिनन है उस, ठीक है, उसको हम लोगों को पेशेंट के बेड के ऊपर नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर गीली चादर अगर हम लोग पेशेंट के बेड के ऊपर लगा देंगे तो बेड सोर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, कि जो भी हम लोगों को क्या करना है, टॉप शीट लगा रहे हैं तो हम लोगों को पेशेंट के अकॉर्डिंग लगानी है टॉप शीट, ताकि क्या हो पेशेंट अपने पैरों को अच्छे से मूव कर सके साइड बाय साइड, और पेशेंट के जो भी बॉडी सर्कुलेशन है, बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लगातार चलता रहे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कंफर्ट डिवाइसेस हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, बेड मेकिंग के टाइम पर पेशेंट को देंगे, ताकि पेशेंट क्या हो सके, कंफर्ट फील कर सके। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ कर सकते हैं, कि जो भी हम लोगों को क्या करना है, इफ़ द क्लाइंट इज़ इन बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर बहुत टाइम से क्या है क्लाइंट जो है बेड पर है, तो उसका थाइस के ऊपर जो है वो हम लोग क्या, जो भी हम लोग क्या करना है, टाइट जो भी अपर बेडिंग, जो भी टॉप शीट है ना, ठीक है, उसे हम लोगों को टाइटली टक नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट मूव नहीं करेगा अपने पैर को, और अगर मूव नहीं करेगा तो फुट ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जो मेनली क्या है, फुट बोर्ड जो है वो हम लोगों को पेशेंट को देना है, ताकि वो फुट के आगे लगा सके उसको और पेशेंट को फुट ड्रॉप से बचा सके। इसके अलावा रेगुलर मसाजिंग करनी है पेशेंट के पैरों की। ठीक है, इसके अलावा जो भी पिलोज़ वगैरह हैं, जो भी नी सपोर्टर है, वो हम लोगों को पेशेंट को देना है, ताकि वो क्या सके, हम लोग उसे फुट ड्रॉप से बचा सकें। ठीक है, तो एक सेफ और कंफर्टेबल बेड जो है हम पेशेंट के लिए तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से कंफर्ट डिवाइसेस प्रोवाइड कराकर। ठीक है, जो भी मैट्रेस है उसे लंप फ्री और रिंकल फ्री रखकर हम लोगों को मेनली बेड सोर और फुट ड्रॉप से पेशेंट को बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, गुड बॉडी मैकेनिज्म मेंटेन द बॉडी अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट द फटीग।
एज ए नर्स हम लोगों को भी क्या होता है कि हमारी बॉडी का पोस्चर भी हम लोगों को मेंटेन करके रखना है, जब भी हम लोग क्या कर सकें पैड मेकिंग कर रहे हो, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग क्या, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है और हम जल्दी से थक सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी बेड मेकिंग कर रहे हो तो हम लोगों को एक गुड पोस्चर तैयार करके रखना है। तो वो कैसे तैयार करके रखेंगे, बेड मेकिंग करने के टाइम पर सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या है, प्रॉपर बॉडी जो पोस्चर है उसे मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी शीट्स है उसे टक कर रहे हैं, उसे मैट्रेस के नीचे टक कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी नीज़ को फोल्ड कर कर नीचे झुकेंगे और उसके बाद में हम लोगों को टक करना है। ठीक है, ताकि हमारी जो बैक है वो क्या है, एकदम स्ट्रेट रहे और उसके अंदर कोई भी पेन ना हो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नीज़ को क्या करेंगे, बेंड कर कर नीचे झुक कर और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, शीट्स को टक करेंगे मैट्रेस के नीचे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी इज अश्योर बाय कीपिंग इट सेंट्रल और ग्रेविटी ओवर इट्स बेस। व्हेन द बेस इज वाइड इट इंश्योर दैट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी विल फॉल थ्रू इट्स बेस एंड स्टैंडिंग पोजिशन द नर्स कैन हैव अ वाइड बेस बाय सेपरेटिंग हर फीट। जब भी क्या करेगी, स्टैंडिंग पोजिशन के अंदर मेनली क्या करना है कि पेशेंट, इसमें बता रखा है जो स्टैंडिंग पोजिशन में अगर नर्स खड़ी है, ठीक है, प्रोसीजर कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जो भी स्टैंडिंग, तो उसमें क्या, पेशेंट जो भी नर्सेज है उसको क्या है, फीट्स को सेपरेट नहीं रखना है। ठीक है, एकदम फीट को पास में रखकर अपने नीज़ को फ्लैक्स कर कर और उसके बाद में बेड मेकिंग करनी है, ताकि वो क्या है, उसका गुड बॉडी पोस्चर मेंटेन रहे। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है कि जितना भी वेट है ना, वो जो भी वेट है बॉडी का, वो उसके नीज़ के ऊपर आएगा, ना कि उसके बैक के ऊपर, क्योंकि अगर बैक के ऊपर आता है तो उसके ऊपर तो बैक एक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कमर में दर्द होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है, जितना भी वेट है वो पेशेंट नर्स क्या करेगी, अपने नीज़ के ऊपर देगी। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, एक साइड की बेड मेकिंग कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे साइड में बेड मेकिंग करने के लिए जाना है, ताकि वो क्या थकान से बच सके। ठीक है, और जो भी क्या है, जो भी वो पेशेंट के ऊपर जो भी प्रोसीजर कर रही है, ठीक है, तो उसके सेफली करना है, ताकि वो क्या कर सकें, जो भी पेशेंट के लिए बेड बना रही है वो क्या कंफर्टेबल बना सके। ठीक है, तो इस तरीके से, इसके अलावा जब भी क्या है, जो भी नर्स है, व्हेन टकिंग द शीट अंडर द मैट्रेस फ्लेक्सिंग डन बाय द नी और हिप। ठीक है, ये आपको बता दिया है कि क्या करना है, जब भी मैट्रेस के नीचे शीट्स को दबा रही है या टक कर रही है, नर्स शीट को टक कर रही है, तो उसको क्या करना है, अपने नीज़ को और हिप्स को फ्लैक्स करने के बाद में ही क्या करना है, टक करना है। ठीक है, ताकि ये क्या, ताकि उसकी वजह से क्या हो, बैक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और बैक एक होने के चांसेस ना हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, सिस्टमेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग सेव टाइम एनर्जी और मटेरियल। क्या है, जो भी सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग प्रोसीजर करते हैं, उससे हमारा टाइम भी बचता है, उससे हमारी एनर्जी भी बचती है और उससे हमारे मटेरियल्स भी बचते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसा क्या चीज़ करेंगे, ताकि हम लोग क्या करेंगे, हमारा टाइम भी बचे, हमारी एनर्जी भी बचे और हमारे मटेरियल भी बचे। तो फोर्थ प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि अगर सही तरीके से, सही प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो हमारी क्या है, टाइम भी बच सकता है, एनर्जी भी बच सकती है और मटेरियल भी बच सकता है। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम लोग बेड मेकिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, सारे आर्टिकल्स पहले से ही बेड साइड लॉकर पर या बेड साइड टेबल के ऊपर अरेंज करके रख देने हैं, ताकि हम लोगों को बार बार आने जाने के अंदर हमारा टाइम जो है बच जाए। ठीक है, उसके बाद में असेंबल ऑल द आर्टिकल्स एंड अरेंज देम कन्वीनियंटली बिफोर स्टार्टिंग द बेड मेकिंग। ठीक है, सबसे पहले सारे आर्टिकल्स को बेड साइड लॉकर पर हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। अरेंज द लिनन इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ यूज़। ठीक है, हम लोग किस तरीके से अरेंज करेंगे, रिवर्स ऑर्डर के अंदर, मतलब सबसे पहले बॉटम, सबसे पहले तो बिग अपना मैकिंटोश आएगा, फिर अपना बॉटम शीट, फिर स्मॉल मैकिंटोश, ड्रॉ शीट, फिर टॉप शीट। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम लोगों को क्या करना है, बेड शीट्स को रिवर्स ऑर्डर के अंदर जमाना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, जब भी बेड मेकिंग करें तो हम लोग क्या कर सके, जल्दी सबसे पहले हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या कर, जल्दी जल्दी से हम लोग लगा लें। ठीक है, एक साइड की बेड मेकिंग को फिनिश करने के बाद ही हम लोगों को दूसरी साइड पर जाना है,
ठीक है, सारे बेडशीट्स को रिमूव करने के टाइम पर एक साथ उसे इकट्ठा करने के बाद ही लॉन्ड्री बैग में डालना है, ताकि क्या हो, इससे भी हमारा टाइम बचता है और एनर्जी बचती है। और बेडशीट्स को इस तरीके से हम लोगों को फोल्ड करना है, ताकि वो क्या कर सके, बिछाने के टाइम पर हम लोगों को क्या हो, इजी तरीके से जल्दी से हम लोग बिछा लें। तो इस तरीके से हम लोगों को फोल्ड करना है बेडशीट को। इन तरीके से क्या हो सकता है कि हम लोग टाइम, एनर्जी और मटेरियल तीनों चीज़ें बचा सकते हैं। ठीक है, सारे आर्टिकल्स को पहले ही अरेंज करके रख लो। ठीक है, जितने भी रिवर्स ऑर्डर के अंदर अरेंज करके रखो, जिस तरह उसे बिछाना है उस तरह अरेंज करके रखो। उसके बाद में एक साइड की बेड मेकिंग कंप्लीट होने के बाद में दूसरी साइड पर जाना है। सारे जितने भी रिमूव करनी है, जो भी बेड लिनन, सॉइल लिनन है, वो रिमूव करनी है, उसे एक साइड रख कर और उसके बाद में लॉन्ड्री बैग में एक साथ फेंक कर आओ। ठीक है, और जो भी हम लोगों को शीट हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, उस शीट को इस तरीके से फोल्ड करके रखो कि ताकि हम लोग इजीली उसको हम लोग क्या कर सके, बेड मेकिंग करने के टाइम पर बिछा सके। ठीक है, अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या थे, जनरल प्रिंसिपल्स यही है कि हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम लोग बेड मेकिंग कर रहे हैं तो हमें पेशेंट की प्राइवेसी का सबसे पहले ख्याल रखना है, उसके कंफर्ट का पहले ख्याल रखना है, उसकी सेफ्टी का पहले ख्याल रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग क्या करें, कोई भी प्रोसीजर या हम लोग बेड मेकिंग कर रहे हैं, तो हमें पेशेंट की प्राइवेसी का, उसके कम्फर्ट का, उसकी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी उसको पोजिशन देंगे। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज करवाएंगे, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, उसको पूरी तरह से कंफर्टेबल रहना चाहिए पेशेंट, साइड रेलिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, बेड मेकिंग होने के बाद में क्या है, पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, साइड रेलिंग्स वगैरह लगाएंगे, ताकि क्या हो, वो गिरने से बच सके। तो ये सारी जनरल प्रिंसिपल्स है जो हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, जब भी हो सके अनऑक्यूपाइड बेड में हम लोगों को क्या करना है कि पेशेंट को क्या है, जब भी अनऑक्यूपाइड, मतलब पेशेंट अगर उठ सकता है, तो हम लोगों को क्या करना है, उसे चेयर के ऊपर या साइड के ऊपर हम लोगों को सपोर्ट से बिठा देना है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो पेशेंट की बेड मेकिंग जो है वो अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, लम्प फ्री और रिंकल फ्री बेड जो है, हम पेशेंट के लिए कंफर्टेबल बेड जो है बना सकें। ठीक है, तो ये जनरल प्रिंसिपल्स थे जो हम लोग, जिसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब पर्पस, हम लोग बेड मेकिंग क्यों करते हैं, पेशेंट का, टू प्रोवाइड अ क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड फॉर द पेशेंट। ठीक है, एक क्लीन और कंफर्टेबल बेड जो है पेशेंट के लिए हम लोग प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग बेड मेकिंग करते हैं। दूसरा, टू गिव अ नीट एंड टाइडी अपेयरेंस। ठीक है, अपना जो यूनिट है, अपना जो वार्ड है, वो भी क्या होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, बेड मेकिंग करके रखते हैं। टू कीप इट रेडी फॉर एनी एमरजेंसीज। ठीक है, बेड मेकिंग हम इसलिए भी करके रखते हैं ताकि हम कोई भी एमरजेंसी हो, ठीक है, कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन आ रही हो, ठीक है, कोई भी न्यू एडमिशन आ रहा हो, तो बेड मेकिंग जो है पहले से अगर तैयार है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी रहे हमारा बेड और यूनिट, तो इसलिए अभी हम लोग बेड मेकिंग करके रखते हैं। पेशेंट की एक्सरसाइज के लिए भी, पेशेंट के, टू रिसीव द पेशेंट कंफर्टेबल। ठीक है, हम लोग कंफर्टेबली पेशेंट को रिसीव कर सके, पेशेंट भी बेड के ऊपर कंफर्टेबल रहे, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, बेड मेकिंग करते हैं। टू एस्टेब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, IPR, नर्स और पेशेंट के बीच में एक IPR मेंटेन रहे, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, बेड मेकिंग करते हैं। टू इकोनोमाइज द टाइम, मटीरियल एंड एनर्जी। ठीक है, इससे हमारा टाइम भी बचता है, मटीरियल भी बचता है और एनर्जी भी बचती है। ठीक है, ताकि हम लोग, इसलिए भी हम लोग बेड मेकिंग करते हैं, टू टीच द रिलेटिव हाउ टू टेक केयर ऑफ पेशेंट एट होम। ठीक है, कि हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को घर पर जो है किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके से बेड बनाना है, तो वो भी हम लोग रिलेटिव्स को सिखा सकते हैं, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, बेड मेकिंग करते हैं। और टू प्रिवेंट द बेड सोर एंड फुट ड्रॉप्स ऑल्सो। ठीक है, ताकि हम पेशेंट को बेड सोर से भी बचा सकें, फुट ड्रॉप से भी बचा सकें, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, बेड मेकिंग करते हैं। अब हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ लिए, जनरल प्रिंसिपल पढ़ लिए, हम लोगों ने बेड मेकिंग क्यों करते हैं हम लोग पेशेंट के लिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब टाइप ऑफ बेड, बेड जो है वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके के, अलग अलग तरीके के बेड होते हैं, जो अलग अलग डिजीज़ कंडीशन के लिए या अलग अलग प्रोसीजर के लिए काम में आते हैं। तो सबसे पहले कुछ तरीके के बेड है, ओपन बेड है, क्लोज बेड है, ऑक्यूपाइड, एडमिशन, पोस्ट ऑपरेटिव, कार्डियक, एम्प्यूटेशन बेड, डिवाइडेड बेड, फ्रैक्चर बेड, थेराप्यूटिक बेड। ठीक है, ये इतने सारे तरीके के बेड होते हैं अलग अलग। अब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है अपना ओपन बेड। ओपन बेड क्या है, मतलब क्या है, न्यू पेशेंट के लिए ऑलरेडी तैयार बेड है। हम लोगों को पता है कि कोई भी पेशेंट आने वाला है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो भी
ओपन बेड है उसे हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नए पेशेंट को रिसीव करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है क्लोज बेड। क्लोज बेड मतलब कि पेशेंट जो है उसके ऊपर कोई भी पेशेंट नहीं है, ठीक है। बेड जो है पूरी तरीके से खाली है और इस पर हम लोगों को पेशेंट को रिसीव करना है जब भी पेशेंट आएगा तब, ठीक है। जो क्लोज बेड होता है उसको हम एक्स्ट्रा शीट, जिसे हम लोग काउंटर पेन बोलते हैं, उससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसके ऊपर ढक कर रखते हैं, ताकि क्या हो, जो डस्ट और जो डर्ट है वो हमारे बेड को गंदा ना करे, ठीक है। गंदा होने से हम लोग बचा सके बेड को, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस काउंटर पेन उस पर रखा लगा कर रखते हैं, ठीक है। और एडमिशन के टाइम पर हम लोग उस काउंटर पेन को हटा देते हैं, और जब भी हम लोग उस काउंटर पेन को हटा देंगे तो वो हमारा ओपन बेड बन जाएगा, ठीक है। अब क्लोज बेड क्या क्या काम आते हैं। क्लोज बेड यही है कि जब भी क्या है, पेशेंट के एडमिशन के लिए हम लोग जो भी एक्स्ट्रा बेड रेडी रखते हैं तो वो क्लोज बेड हम लोगों को काम में आते हैं। और एक यूनिट को, हमारे वार्ड को एक क्लीन और टाइडी अपेयरेंस देते हैं, ठीक है। इससे हमारे यूनिट जो है वो साफ़ सुथरा लगे, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोज बेड बना कर रखते हैं। इस तरीके का क्लोज बेड होते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या है, काउंटर पेन ये ब्लू कलर का दिख रहा है, उसे एक्स्ट्रा शीट से हम लोगों ने कवर करके रखा है, ताकि हमारी जितनी भी अंदर की शीट है वो क्या है, गंदी ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड का मतलब होता है पेशेंट जो है ऑलरेडी बेड के ऊपर है, ठीक है। मतलब पेशेंट जो है बेड के ऊपर है और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बेड मेकिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, टू मेक अ बेड विथ लीस्ट पॉसिबल डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट, ठीक है। जब भी हम लोग बेड मेकिंग कर रहे हैं उस टाइम पर, तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना कराएं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि जब भी हम लोग बेड क्लोथ को या जितने भी सॉइल्ड लिनन है, जब भी उसको होल्ड कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं बेड के ऊपर, ठीक है, तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है पेशेंट को, ठीक है। जो और हम लोगों को क्या करना है, एक नीट और टाइडी क्लीन अपेयरेंस देना है पेशेंट के बेड को भी और यूनिट को भी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्यूपाइड बेड बनाते हैं, ठीक है। जब पेशेंट ऑलरेडी बेड के ऊपर होता है, उसको हम लोगों को उसके कंफर्ट का ध्यान रखते हुए बेड मेकिंग करनी है। दूसरा आता है एडमिशन। नेक्स्ट आता है एडमिशन बेड। एडमिशन बेड का मतलब होता है कि पेशेंट जो है न्यूली एडमिट हुआ है, ठीक है। उसके लिए वेलकम के लिए हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, बेड बनाया गया है, ठीक है। ओपन बेड पर जो टॉप शीट होती है ऊपर वाली, जो पेशेंट ओढ़ता है, ठीक है, उसको जब भी हम लोग फैन फोल्ड कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है हम पेशेंट को क्या है, हम लोगों को पता है इस पर पेशेंट आने वाला है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है एडमिशन बेड, ताकि हम लोग जो है इससे हम लोगों को पता लगता है कि पेशेंट जो है इस पर आने वाला है, ठीक है। तो इसके क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, टू वेलकम द पेशेंट, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट का वेलकम कर सकते हैं कि हाँ आपके लिए बेड जो है बनाया गया है, ठीक है। प्रोवाइड इमीडिएट केयर आफ्टर सेफली एंड कंफर्ट, ठीक है। जो भी इमीडिएट केयर है, जल्दी से जल्दी केयर दी जाती है, ठीक है। तो एडमिशन बेड के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इमीडिएट केयर दे सकते हैं, वो सेफली होता है और कम्फर्ट होता है पेशेंट के लिए, ठीक है। और जो भी एडमिशन के टाइम पर जो भी बाथ वगैरह देना रहता है, वो हम लोग एडमिशन बेड के ऊपर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव बेड, ऑपरेशन के बाद वाला बेड, ठीक है। तो ऑपरेशन के बाद वाला बेड जो भी हम लोग बनाते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव बेड जो हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट से क्या है, रिकवर हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जो है रिकवर हो रहा है, ठीक है, वापस से नॉर्मल स्टेट में आने वाला है, तो एनेस्थीसिया के इफेक्ट से रिकवर हो रहा है, इसलिए हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव बेड बनाते हैं, ठीक है। तो क्यों बनाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव बेड के हॉट वाटर बैग जो है वो लगाते हैं। इसके अंदर जो भी टॉप शीट होती है वो एक साइड के अंदर फोल्ड होकर रखती है, कि जब भी पेशेंट जल्दी से आए तो उसे हम लोग क्या कर सकें, शॉक से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, और कोल्ड से प्रिवेंट कर, ठंड से बचा सकें, ठीक है, उसे गर्माहट दे सकें, कंफर्ट दे सकें, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव बेड बनाते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड दी वार्म, अब क्यों बनाते हैं, टू प्रोवाइड दी वार्म एंड कंफर्ट, ताकि पेशेंट को हम गर्माहट दे सकें, उसे जल्दी से कंफर्ट दे सकें, शॉक से बचा सकें, ठीक है, उसे कोई इंजरी से बचा सकें, इसलिए हम लोग साइड रेलिंग्स भी लगाते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बेड है उसे भी सॉइल्ड होने से बचा सके, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा मैकिंटोश वगैरह भी लगा कर रखते हैं, रबर शीट जो एक्स्ट्रा मैकिंटोश होता है वो भी लगा कर रखते हैं, ताकि हम नीचे वाली शीट्स को और मैट्रेस को क्या है, गंदा होने से बचा सकें। और जितनी भी इमरजेंसी नीड है वो भी हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पोस्ट ऑपरेटिव बेड के अंदर पेशेंट को देते हैं। ये पोस्ट ऑपरेटिव बेड है जिसमें जो बीच में जो है मैट्रेस, ये मैकिंटोश लगा हुआ है, ताकि जो भी
हम क्या है बॉटम शीट को सॉइल्ड होने से बचा सके, और जो टॉप शीट है वो साइड में फोल्ड है ताकि जब भी पेशेंट आए तो उसको जल्दी से हम लोग क्या कर सके कवर कर सके। नेक्स्ट रहता है आपका कार्डियक बेड। कार्डियक बेड मेनली क्या है कि जो भी कार्डियक डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए दिया जाता है। इसमें कार्डियक टेबल होती है जिस पर पेशेंट क्या कर सकता है रेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्डियक टेबल में जो हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि पेशेंट को अगर कोई भी ब्रीथिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कार्डियक डिजीज़ है तो उसको में पेशेंट क्या है उसके ऊपर आगे की तरफ सर रखकर पिलो लगाकर रेस्ट कर सकते हैं, तो उससे पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये कार्डियक बेड के अंदर कार्डियक टेबल लगती है और कुछ पिलोज लगते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रह सके। एम्पूटेशन बेड, डिवाइडेड बेड या क्रेडल बेड। ठीक है, एम्पूटेशन बेड मेनली क्या है जो भी एम्पूटेड पार्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट एम्पूटेशन बेड बनाते हैं। ठीक है, कई जब भी हाथ का कोई एम्पूटेड एरिया है, जो वो हाथ का है या लेग्स का है, ठीक है, जो भी एरिया है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं ये एम्पूटेशन वाला बेड बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर दो टॉप शीट हम लोगों को चाहिए पड़ती है। ठीक है, दो टॉप शीट चाहिए पड़ती है, क्यों, ताकि हम लोग जो भी एम्पूटेड वाला एरिया है उसको अलग अलग डिवाइड कर दें। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें पेशेंट के पूरे बॉडी को एक्सपोज ना करके सिर्फ जो एम्पूटेड वाला पार्ट है उसे ही एक्सपोज कर कर उसके ऊपर ही हम लोग जो भी हम लोगों को अगर वो क्लीन करना है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उसे क्लीन कर सकें या उसे देखना है, विजुअलाइज करना है तो कर सकें। इसलिए एम्पूटेड बेड बेड के अंदर क्या है मेनली दो टॉप शीट होती है जिसमें हम लोग क्या कर सकते उसे अलग अलग डिवाइड कर कर और हम लोग क्या करते हैं वो बेड बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके जो भी एम्पूटेड जो भी कटा हुआ पार्ट है उसे देख सके, उसकी ड्रेसिंग कर सके। ठीक है, जो भी एम्पूटेड वाला पार्ट है उसे अपनी पोजीशन पर रख सके। ठीक है, जो भी एम्पूटेड वाला पार्ट है उससे अगर कोई भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो तो उससे हम लोग क्या कर सके जो भी अपना मेट्रेस है जो भी बॉटम शीट है उससे प्रिवेंट कर सके, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं एम्पूटेड बेड बनाते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो टॉप शीट होएगी इसमें जो टॉप शीट लगेगी वो एम्पूटेड वाले पार्ट के नीचे अलग लगेगी और एम्पूटेड वाले पार्ट के ऊपर अलग लगेगी। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग ड्रेसिंग वगैरह करें तो हम लोगों को पूरा बॉडी जो है वो एक्सपोज नहीं करना पड़े, सिर्फ जो बॉटम वाला पार्ट है नीचे नीचे जो एम्पूटेड वाला पार्ट है वो ही एक्सपोज करके हम लोग क्या कर सके पेशेंट को केयर दे सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड मेनली हम जो फ्रैक्चर वाले बोन डिजीज़ वाले या डिफॉर्मिटी वाले पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए तैयार करते हैं। इसके अंदर सैंड बैग हम लोग यूज़ में लेते हैं। ठीक है, और इमोबिलाइज करने के लिए हम लोग सैंड बैग्स यूज़ में लेते हैं और जो भी ट्रैक्शन है ये जो है यूज़ में लेते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके जिस भी एरिया के अंदर हम पेशेंट के फ्रैक्चर आया है उसको इमोबिलाइज कर सके। ठीक है, और जर्की मूवमेंट से मतलब पेशेंट का जो हाथ पैर है वो फ्रैक्चर होने के बाद जो हिलते हैं ना तो उस जर्की मूवमेंट से पेशेंट प्रिवेंट कर सके, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्चर बेड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थेरापूटिक बेड। थेरापूटिक बेड के अंदर ब्लैंकेट बेड, रीनल रूमेटिक बेड आते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, मेनली जो भी बेड क्रेडल्स हैं उनका यूज़ लेते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें जो भी लिनन का वेट है वो हमारे बॉडी से क्या कर सके स्पेस में रख, इसलिए हम लोग क्या करें बेड क्रेडल इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी बर्न पेशेंट के लिए, ठीक है, रीनल और रूमेटिक डिजीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या है जिससे हम लोग जो भी क्रेडल होता है ये क्या करती है टॉप शीट का वेट जो है उठा लेती है और उसकी वजह से क्या है बॉडी के ऊपर कोई भी वेट नहीं पड़ता है। ठीक है, और पेशेंट जो है कंफर्ट फील करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं थेरापूटिक बेड बनाते हैं। ठीक है, अब नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब क्या है नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बेड मेकिंग के टाइम पर। सबसे पहले तो हम लोगों को प्रिलिमिनरी असेसमेंट, हमारा फर्स्ट प्राइमरी असेसमेंट जो है क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम लोगों को डॉक्टर के ऑर्डर चेक करने हैं कि कोई भी मूवमेंट से रिगार्डिंग, कोई भी पोजीशन से रिगार्डिंग डॉक्टर ने कोई अलग ऑर्डर तो नहीं दे रखे, लाइक इसको हिलाना नहीं है, पेशेंट को जैसा है वैसे ही रहने देना है, इसको इतना रेस्ट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को स्पेसिफिक प्रिकॉशंस देखने हैं जब भी हम लोग बेड मेकिंग करें। सेकंड, हम लोगों को ये देखना है कि पेशेंट जो है चल फिर सकता है या नहीं चल सकता है। ठीक है, पेशेंट जो है बेड के ऊपर ही रहेगा बेड मेकिंग के टाइम पर, या पेशेंट जो है उसे चल फिर सकता है तो हम उसे भेज देंगे बाहर घूमने फिरने के लिए बेड मेकिंग के टाइम पर, तो अपने खुद का काम खुद कर सकता है या नहीं कर सकता है ये भी हम लोग चेक करेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि चेक द फर्नीचर एंड लिनन अवेलेबल इन द क्लाइंट यूनिट। ठीक है, कि हमारी यूनिट के अंदर जो भी फर्नीचर और लिनन अवेलेबल है क्या बेड मेकिंग के लिए। ठीक है, ये हम लोग चीज़ चेक करेंगे।
फिर जितने हम लोगों को जितने भी लिनन चाहिए या जितनी भी शीट चाहिए, एक्स्ट्रा शीट चाहिए बेड मेकिंग के लिए, वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग चेक करेंगे कि उतने लिनन और उतनी शीट्स जो है वो यूनिट के अंदर है या नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जितने भी आर्टिकल्स हैं पेशेंट को कंफर्ट फील कराने के लिए, ठीक है, ब्लैंकेट हुआ, बेड रेस्ट हुआ, ठीक है, तो पिल्लोज़ हुए, ये सारे यूनिट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो नर्सेस को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो डॉक्टर ऑर्डर फर्स्ट चेक करने हैं, उसके अलावा पेशेंट जो है वो सेल्फ खुद की केयर कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके अलावा सारे आर्टिकल्स यूनिट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, कंफर्ट डिवाइसेस यूनिट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, ये सारे नर्सेस चेक करेगी, ठीक है। अब हमें ओपन बेड बनाने के लिए, एक नॉर्मल ओपन बेड बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए पड़ता है, क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, तो आर्टिकल्स होंगे सबसे पहले बॉटम शीट, तो सबसे नीचे वाली चादर जो लगती है उसे बॉटम शीट बोलते हैं, वो होनी चाहिए। मैकिंटोश, एक रबर का एक शीट होती है लंबी, ठीक है, उसे हम लोग मैकिंटोश बोलते हैं। उससे क्या होता है, उस मैकिंटोश लगाने से क्या होता है, जो भी पेशेंट की जो भी सिक्रीशंस है वो उस रबर शीट के ऊपर रुक जाते हैं, नीचे जो है वो बॉटम शीट के ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है, मैट्रेस को गंदा नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ड्रॉ शीट है, एक छोटा सा शीट होता है जो क्या करते हैं सबसे टॉप के ऊपर लगता है, ठीक है, फिर टॉप शीट आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा ब्लैंकेट होना चाहिए, पिलो कवर होना चाहिए, पिलो होना चाहिए, ठीक है। इसके एडिशनल के अंदर हम लोगों के पास डस्टर होना चाहिए, जब भी हम लोग क्लीन करें, किडनी ट्रे होना चाहिए, तो जो भी डस्ट जो है हम किडनी ट्रे के अंदर रिसीव करेंगे, लॉन्ड्री बैग होना चाहिए, जो भी सॉयल लिनन है या गंदे लिनन है वो लॉन्ड्री बैग के अंदर हम लोग डालेंगे, और इसके अलावा बाउल विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए बेड को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ये मैकिंटोश, ठीक है, ये वाइट कलर का जो है वो ड्रॉ शीट है, पिलो कवर है, इसके अलावा किडनी ट्रे है हमारे पास, लॉन्ड्री बैग है जिसके अंदर सॉयल लिनन हम लोग डालेंगे, और जो भी शीट है टॉप शीट और बॉटम शीट वो है, ब्लैंकेट होना चाहिए, ठीक है, बाउल विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा अब हम लोग जो है यूनिट कैसे तैयार करेंगे सब, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट एंड यूनिट, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है, बेड मेकिंग के लिए। सबसे पहले तो हम लोगों को सारा प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, ताकि पेशेंट क्या है एंशियस फील ना करें, ठीक है, पेशेंट हमारे साथ रहे, हमारे साथ कोऑपरेट करें, जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेड मेकिंग कर रहे हैं, हमें बताना है कि बेड मेकिंग करने से क्या क्या चीज़ होगी, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन से बच सकता है, उसे बेड सोर से हम लोग बचा सकें, इसलिए हम लोग बेड मेकिंग कर रहे हैं। सारा एक्सप्लेन जो प्रोसीजर है वो उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग बेड मेकिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट का कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं, और पेशेंट भी क्या करें हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे कि क्लाइंट हमारे कैसे असिस्ट कर सकता है, ठीक है, हम उसे बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे हेल्प कर सकते हैं बेड मेकिंग में। जैसे कि अगर पेशेंट चल फिर सकता है तो हम उसे बताएंगे कि जाइए आप ब्रश करके आइए, ठीक है, आप नहा कर आइए, ठीक है, तब तक हम लोग आपका बेड बना देंगे, ताकि आप एक अच्छा फ्रेश फील करेंगे, आपके जितनी भी गंदी लिनन है उसे हटा देंगे, ठीक है, तो इसे क्लीन जो है एनवायरनमेंट लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट के हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जब बेड मेकिंग कर रहे होंगे तो किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी बेड के ऊपर ही है तो हम लोग क्या देंगे, स्क्रीन लगाकर उसे प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे, बेड जो भी जितने भी फर्नीचर है उसे बेड से दूर हटा देंगे, ताकि हम और वॉल से दूर हटा देंगे, ताकि बेड मेकिंग करने के टाइम पर हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। जितने भी और क्या कर सकते हैं, जितने भी लो जो भी हम लोग बैक रेस्ट वगैरह अगर पेशेंट के पास है, अगर लगा रखा है, जो भी कंफर्ट डिवाइसेस लगा रखें, उसे हम लोग क्या कर देंगे, उस टाइम हटा देंगे, ठीक है। और जितने भी जो भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी लॉन् अपने पास जो भी सॉइल लिनन वगैरह हैं वो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ड्री बैग के अंदर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अब क्या प्रोसीजर हो सकता है, सबसे पहले तो सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने अपने बेड साइड लॉकर के ऊपर या टेबल के ऊपर अरेंज करके रखने हैं, ठीक है। उसके बाद सारा प्रोसीजर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, और उसे हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को एक साइड के अंदर चेयर के ऊपर हम लोग कंफर्टेबल बिठा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग हैंड वॉशिंग करेंगे, हैंड वॉशिंग करने के बाद सबसे पहले हम लोग पिलो को एक साइड में रखेंगे, पिलो को हटाकर एक साइड में रखेंगे, फिर जितने भी ओल्ड लिनन्स हैं, जितने भी ओल्ड गंदी लिनन्स है, ब्लैंकेट है, उस सबको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा गद्दा है, मैट्रेस है, उसको क्या करेंगे, डस्ट फ्री करेंगे, ठीक है, उस पर डस्टिंग करेंगे,
मैट्रेस को डस्टिंग करने के बाद में उसे दूसरी साइड में टर्न कर देंगे, जिसे हम एयरर भी बोलते हैं कि हम लोग मैट्रेस को एयरर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैट्रेस को एयरर करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोट मतलब हमारे जो बेड है और जो फर्नीचर्स है उनको क्लीन करेंगे। ये सब क्लीन होने के बाद में हम लोग मैट्रेस के ऊपर क्या करेंगे, हम सबसे पहले बॉटम शीट बिछाएंगे। बॉटम शीट बिछाने के बाद में हमारा मैकिंटोश बिछाएंगे और ड्रॉ शीट बिछाएंगे, जो सबसे ऊपर वाला ड्रॉ शीट बिछाएंगे। और ड्रॉ शीट बिछाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उन सबको टक करेंगे मैट्रेस के नीचे। फिर एक माइटन कॉर्नर बनाएंगे। माइटन कॉर्नर बेड के साइड के अंदर बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेड को एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जो तो बेडशीट है उसको सपोर्ट मिलता है, वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाती है। तो एक माइटन कॉर्नर बनाएंगे। उसके बाद में हम अपोजिट साइड जाएंगे। एक साइड की बेड मेकिंग कंप्लीट करने के बाद में दूसरी साइड में जाएंगे, वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से सारे जो इतना भी शीट्स है उसको टक करेंगे। टॉप शीट को फिर उसके ऊपर बिछाएंगे, अगर ब्लैंकेट चाहिए पेशेंट को तो ब्लैंकेट को भी उसके ऊपर बिछाएंगे, ठीक है। पेशेंट के नी का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट के जो भी लेग्स है उसका ध्यान रखेंगे कि पेशेंट, हम लोग इतना भी टॉप शीट को टाइटली टक ना करें कि पेशेंट जो है वह उसका मूवमेंट नहीं कर सके लेग्स का, ठीक है। उसके बाद में जो भी पिलो कवर है वो हम लोग क्या कर, पिलो कवर के अंदर डालकर और उसे हम लोग क्या करेंगे, हेड एंड के ऊपर रख देंगे। इस तरह का प्रोसीजर है। ये माइटन कॉर्नर है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, माइटन कॉर्नर किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले कॉर्नर पकड़कर उसे ऊपर की साइड में ले जाते हैं, उसके बाद उसे अंदर टक कर और बाकी शीट्स को भी हम लोग अंदर टक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग माइटन कॉर्नर बनाते हैं। तो ये प्रोसीजर था कि किस तरीके से हम लोग जो है बेड मेकिंग करते हैं। हैंड वॉशिंग करने के बाद में सबसे पहले पिलो को हटा दिया। पिलो को हटाने के बाद में जितने भी सॉयल लिनन थे, गंदे लिनन थे, उसे इकट्ठा करने के बाद में हम लोगों ने लॉन्ड्री बैग में डाल दिया। उसके बाद में हम लोगों ने मैट्रेस को क्लीन किया। मैट्रेस को क्लीन करने के बाद में उसे एयरर किया, मतलब टर्न कर दिया दूसरे साइड के अंदर और बिछा दिया। फिर हम लोगों ने बेड को क्लीन किया एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। बेड को क्लीन करने के बाद में हम लोगों ने जितने भी फर्नीचर थे उसको क्लीन किया। उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले बॉटम शीट बिछाई। फिर हम लोगों ने मैकिंटोश बिछाया और ड्रॉ शीट बिछाई। ड्रॉ शीट बिछाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारे टॉप शीट को अच्छे से टक कर देंगे। एक साइड की बेड मेकिंग कम्प्लीट होने के बाद में दूसरी साइड में हम लोग जो है दूसरी साइड में जाकर जो है शीट्स को टक करेंगे। फिर हम लोग जो भी पिलो है उसे पिलो केस के अंदर डालकर हमारे हेड एंड के तरफ रख देंगे, ठीक है। जब भी हमारा प्रोसीजर कम्प्लीट हो जाएगा तो आफ्टर केयर, ठीक है, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में हम लोग क्या क्या चीज़ करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले हम लोगों ने साइड में बिठाया था चेयर के ऊपर, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, पेशेंट को हेल्प देकर सपोर्ट देकर हम लोग क्या करेंगे, वापस बेड के ऊपर लेकर आएंगे। उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स थे, जो भी कंफर्ट डिवाइसेस थे हम लोगों ने हटाए थे जो, ठीक है, वो वापस हम लोग को लगा देंगे। अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा पिलोज चाहिए तो वो देंगे, बैक रेस्ट चाहिए तो वो देंगे, तो सारे कंफर्ट डिवाइस हम लोग वापस पेशेंट को देंगे। इसके अलावा सारी यूनिट को हम लोग वापस क्लीन करेंगे, ठीक है, और जो भी लॉन्ड्री बैग थी उसके अंदर से जितने भी लिनन थे, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई भी जितने भी लॉन्ड्री बैग के अंदर जो भी लिनन थे उसे हम लोगों ने रिमूव कर उसे लॉन्ड्री के लिए, मतलब धोने के लिए भेज देंगे, ठीक है। जो भी डस्टर था और जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन था उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे डिसइंफेक्ट करके क्लीन वाटर से धोकर और वापस ड्राई करके रखेंगे। हैंड वॉशिंग करेंगे और जो भी हम लोगों ने प्रोसीजर किया है उसे हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे पेशेंट की फाइल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो इसमें हम लोगों ने बेड मेकिंग के बारे में पढ़ी, कि बेड मेकिंग हम क्या चीज़ होती है, क्यों करते हैं, कितने अलग अलग तरीके के बेड होते हैं, किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है बेड मेकिंग के टाइम पर, क्या प्रोसीजर होता है बेड मेकिंग का, और बेड मेकिंग के प्रोसीजर के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये सारी ये चीज़ बातें थी बेड मेकिंग के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।